बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज आवाम की आवाज के नाल तो सदा मेजबान डॉक्टर इमरान और टीम लीडर राजम खान तनोली खिदमत हाजिर हाँ। असा इस टाइम मौजूद हाँ सी टी 10 के जनरल कौंसलर बशारत खान तनोली साहब नाल। उस साडे मेहमान ने इलाकाई मसाइल ते गुफ्तगू कर सा खुश आमदेद आखने हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुसा दा? ठीक हो जनाब? क्या हाल है तुसा दा? ठीक हो? खैरियत है? सेहत ठीक है? अल्लाह दा शुक्र, तुसी ठीक हो जनाब? खैरियत जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक। के हो रहा है अजकल? बस अजकल सियासत और अपने आवाम की तरक्की और सस्ते खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, सबका भी तुसी नायब नाजम रहे हो और उस वक्त तुसने अपने दौर में तरक्याती काम कराए? जी अलहमदुल्ला, अस अपने दौर में उस वक्त इतने हाउसिंग स्कीम प्रॉपर्टी है जेडे के ओपन स्पेस है जिन्होंने किसी दौर में डी ए पी के अफसरान ने कब्जा करके दिया, जिस दिन नैब ने बाद में एक्शन के दिया वो अफसरान गिरफ्तार हुए। वो तकरीबन 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी इस आवाम की रियलिटी हस्ते रखी जी, जिस पर बच्चे ने पार्क ग्राउंड वगैरह है उस अलहमदुल्ला असा सेव किया है और अदालत केस किया है और असा फिर उसके पार्क्स और मुख्तलिफ जगह पर एक कम्यूनिटी सेंटर और मुख्तलिफ जो डिवेलपमेंट है उन्होंने की माशाल्लाह उस जगह खूबसूरत पार्क बने। अच्छा, हूँ तक अलफ तो तुसा चाह के दो सी ते हूँ तक तुसा कितने फंड मिले? असल जी विलेज कौंसल सिटी 10 है, इसते अजे तक फंड्स का कोई पता नहीं, ना कोई इजलास होया इतने, ना कोई इस वक्त तक इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन असान दी गई है। इस वक्त तक असल विलेज कौंसल का कोई ताफी इजलास भी नहीं होया। हिफाज विलेज कौंसल की वजह ये तो हम असी सैकटरी और सैकटरी साहब तो खैर चेयरमैन साहब को पूछ सकते हैं, उन्होंने इस वक्त तक इसका ताफी इजलास या कोई मेम्बरान एतमाद भी किया कि उन्होंने दसिया कि इस वक्त तक इतने कितना विलेज कौंसल का फंड आ गया। अच्छा, तुसंदे विलेज कौंसल दे अहम मसाइल के? चूंकि असल विलेज कौंसल पहले एक टी ए पी के एक अंदरूनी दीवार के अंदर होगी, इसके अंदर तकरीबन 5,000 वोट है। इस बार इस विलेज कौंसल ने तकसीम कर दिया गया, दो हिस्से में तकसीम कर दी गई है, जबकि एक बात ही है कि इसका वोट तकसीम करने की मैं समझता एक साजिश की गई है। इस सोसाइटी तो कोई या इस टी एन टी कॉलोनी तो कोई बाकायदा चेयरमैन मुंतखब न हो गए, इस करके वो इसके मसाइल तो काफ़ी है। जिस तरह हाउसिंग स्कीम है, इस तरह बड़ा मसला है बिजली जड़ा कि कुछ दिन पहले अलहमदुल्ला काशी से बाप नवाज खान की काफिशा हल हो गया, जड़ा 40-50 साल तो इस दरीना मसला है। कमर्शियल बिजली पाली जा रही है, बल्ब मीटर है जड़ा कि अगे उस 40-50 रुपये यूनिट दिता जा रहा है, हूँ जाके वो आपके नाल सारा कुछ होया। और इसी दौर में पिछले बाबर नवाज आई तो 15 दिन पहले इतने जलसा किया नई हुकूमत समझी कून ध्यान ना, और जरा असल का दरीना मुतालबा आया वो असा ने अलहमदुल्ला इस दौर में हल होया और असा वापटा बकायदा कंज्यूमर बन गए और उसके 400-500 डिमांड नोट इशू हो गए, जल्द इन शाला मीटर भी लग गए। दूसरा मसला असल इतने गैस का आया, चूंकि बाहर का जो महकमा गैस आया इसके अंदर इतने गैस का जो प्रॉब्लम आया कि इतने बल्क मीटर लगे आया, जिस तो लास्ट टाइम असा याद है असा 250 रुपये यूनिट भी दिते हैं पर कार के पर यूनिट है। वो अलहमदुल्ला उस वक्त काजी से सूबाई वजीर होने की वजह तो उन्होंने वो फंड जाती सूबाई गवर्नमेंट ने दिता, उन्होंने 60 लाख रुपये दे के इन्होंने लोगों का जमीन मसला हल हो गया। हूँ चूंकि सर मसाइल इस एरिए थोड़ा जहा पानी का मसाइल है, उस ट्यूबवैल मौजूदा MPA साहब ने दिता, उसका भी शुक्रगुजार हाँ उन्होंने ट्यूबवैल दिता है। अलहमदुल्ला उम्मीद है कि पानी का मसला भी हल हो गया। बाकी इस वेले कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम जोड़े देखे जा रहे हैं मल्ला रोशनाबाद और इसके नाल नए इलाके लगे करीमाबाद, बड़े कुछ मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने लोगों का सफाई का भुगतान है, गलियां कच्ची हैं या उन्होंने पानी के मसाइल हैं। इंशाल्लाह बेसिक जनरल कौंसल जो कुछ मेरे अख्तियार में है जो कुछ मेरे और जो मैं उन्होंने लोगों ने मसाइल भी हल कर सा। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी के जो छोटे मोटे मसाइल्स और तो तकरीबन अलहमदुल्ला काफ़ी हद तक हल गए, रोड गलियाँ इस किस्म के जो फंड है तरक्याती काफ़ी हद तक मौजूदा जी सबका पीटीआई दौर में जो है सारी कि उन्होंने क्रेडिट देना चाहिए कि रोड्स करियां काफ़ी हद तक उन्होंने काम किए, अच्छा काम किया इस इलाके में। अच्छा, तुसा कि सियासी पार्टी ना तलब? मेरा मुस्लिम लीग नून नाल तलब, मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से जनरल कौंसल इलेक्ट। अच्छा, देखो तुसी मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा कामयाब हो और हुकूमत जो पीटीआई की है सूबाई इस वक्त कोई प्रॉब्लम ना उसी अगे फंड किन्ने या इस तरह के मसले?
इस तो पहले चूंकि बलदियात का फंड एक सैपरेट आता है वो तो एक विलेज कौंसल आसी वो चाहे जी भी उसी चूंकि असा चेयरमैन पी टी आई दी है इस करके उत्ते फंड आसी तो असा अंदाजा हो असा तकसीमे कार भी के इंसाफ किया जाता है क्योंकि मैं वाहिद मुस्लिम लीग नून तो इतों सीट जीते हुए बाकी तो मेरे ना मेबरान सारे पी टी आई दी हैं तो उस देखे जैसी हाउसिंग सोसायटी जो बड़ा वोट है उस नज़रअंदाज किया जाता है या विलेज कौंसल में उसके मंडेट का एहतराम किया जाता है और उसका हिस्सा दिता जाता है ये तो उन्होंने फंड से मुनसर हो सके क्या कर सो अच्छा मुकामी पुलिस तो सनन तामन कर दी अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी पुलिस बहुत अच्छा तामन कर दी है और कोई भी मसाइल और असन मिलजुल के इस मामले हल कर दी है अच्छछा पी टी आई के दौर में हरिपुर बड़े तरक्याती काम होए ने और इस विच के राज है कि बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी होए अलहमदुल्ला जो असा जिला हरिपुर है इसकी बहुत कम लोगों चीज़ पता है जिला हरिपुर चूंकि ए के पी के का अमीर तरीन जिला समझा जाता है एग्रीकल्चर के हवाले मरदान और हरिपुर जोड़े ये भी बड़ा जरात नाल अहम जिले समझे जाने दो लेकिन हरिपुर चूंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के हवाले एक टैक्स पेड जिला है और सब तो हाईएस्ट टैक्स इसका होता है फिर रॉयल्टीज होती है हरिपुर को अलहमदुल्ला काफ़ी सारा फंड होता है और उस फंड में तुम रॉयल्टी का डैम्स का फंड देख करो रॉयल्टी हरिपुर आती है उस तो बाद इसते एग्रीकल्चर एंड टैक्सेस नतार इंडस्ट्री है एनआरटीसी है टीआईपी है मुख्तलिफ इतने इदारे मौजूद हैं जेडे कि इस हरिपुर की फंडिंग में एक अहम हिस्सा किरदार अदा करते हैं टैक्स की सूरत में एक बिरत मंजिल है के पी के का समझा जाता है वो कि इस बच्चे उस तरह की तरक्की नहीं आ सकते हो जिस तरह के इसी बनस्पत खासकर मेडिकल फैसिलिटी इतने उस तरह नहीं आई अज तक पता है कि इतने अज भी मरीज जिस वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी हार्ट का मसला आता है या तो एबटाबाद सराडा के मोड़ से अपनी जान गुमा बैठते या तरनौल के मोड़ा से इतने मेडिकल की कोई खास फैसिलिटी नहीं आई तरक्याती काम तो उस इंपॉर्टेंट समझे जिस वक्त इतने सेहत सब तो पहले इंसानी जिंदगी होती है उसकी सेहत होती है अगर उस सेहत के हवाले खातर खा काम इस पी टी आई के दौर में असा नहीं देखा रोड्स गली का काम देखे रोड्स बने गलियां बनिया और ट्यूबवैल्स वगैरह लगे लेकिन मेन चीज़ की सेहत आई वो इस उत्ते कोई खातर खा काम होता असा नहीं देखा इस पी टी आई के 10 साल दौर में अच्छा देखो ना कि जिस तरह बड़िया यूनिवर्सिटियाँ मतलब मंग यूनिवर्सिटी हो गई कॉलेज हो गया और इस तरह के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट ने इस तरह सड़क तो तकरीबन बड़ी बड़ी जाल बिछा सकन ठीक है तो मेडिकल के हवाले भी हॉस्पिटल का काम जारी है तो फिर इस उत्ते थोड़ी जी रोशनी पास हो के देखो मेडिकल के हवाले ना क्यों 10 साल गवर्नमेंट पी टी आई हो चुके हैं इस वक्त तक असर को तुम लोगों देखिए एक ट्रामा सेंटर पहले बढ़िया है और ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनी है लेकिन उसके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं बनी आई हैं इस वक्त तक इतने दिल के ऑपरेशन का कोई सिस्टम नहीं दिमाग के ऑपरेशन का कोई सिस्टम नहीं कोई तुम पेशेंट सीरियस अगर एक्सीडेंट हालत में या हार्ट का पेशेंट आ जाए तो उसके बाद रेफर कर दो उस खास सहूलत नहीं लेकिन ऑलरेडी असर को डी एच क्यू हॉस्पिटल बनी हुई है उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर हर चीज़ सहूलत मौजूद हैं वो फैसिलिटी और मशीनरी वगैरह इसके अंदर नहीं आई है अजे तक अलग उतनी मशीनरी वगैरह आनी है ठीक है रोड्स गली भी जरूरी है लेकिन रोड्स गली नाल इंसानी जिंदगी के बहुत सारे मामलात हैं तो इस करके जोड़ा वो होना चाहिए दूसरा एजुकेशन फैक्टर भी माशाल्लाह तो सब पता है कि 60 साल से पाकिस्तान बनया 70 साल हुए सब तो पहले अलहमदुल्ला ए क्रेडिट का जिस हिसाब से चाहता है सूबाई गवर्नमेंट तक उन्हें इतने आने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी इस तो पहले इतने सब पता है कुड़िया लड़कियों का एक कॉलेज होता है उन्होंने 6 कॉलेज 8 कॉलेज लड़कियों ने बनाए सब तो पहले ये इंपॉर्टेंट एक अहम आया उस तो बाद फिर एजुकेशन से तवज्जो आई है और मौजूदा पुराना भी फिर उस अगे कंटिन्यू करके अच्छा क्रेडिट है कि उन्होंने भी कॉलेज कुछ एक दो आड़ के मेडिकल कॉलेज भी छोड़ रहे हैं उस दिन चीफ मिनिस्टर ने अगर बनने तो असल जिले अच्छी तरक्की है लेकिन अलहमदुल्ला इसकी बुनियाद मैं समझदा कि असल क्यादत काजी असद साहब ने रखी एजुकेशन की और उस तक तसलसल अगे चले अच्छा टीआईपी कलोनी में बिजली का बड़े अहम मसला रहा मीटर का बड़ा मसला रहा उस तुसा अपना के किरदार है टीआईपी कॉलोनी हाउसिंग कॉलोनी है तुम ये समझ सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे फुकदान है जिस वक्त सोसाइटी बनी है
इस सोसाइटी का सब तो बड़ा शहर का एरिया है, म्यूनसिपल कमेटी का सेंसा समझ, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। ईवन क्लीनिंग जी होंगी है पूरे इलाके में म्यूनसिपल कमेटी करती है, इतने लोग अपने जेब तो 180 रुपया या 100 रुपया दे के अपनी क्लीनिंग खुद करवाते रहे। इस पिछों कि टी ए पी पिछे इसका कस्टोडियन आया, लेकिन ये जी फंडिंग जितनी होंगी लोग अपनी जेब तो करते हैं। एक तो यह मसला है कि म्यूनसिपल कमेटी होने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी की कोई फैसिलिटी नहीं, स्ट्रीट लाइट ट्यूबवेल्स ये बिल्स लोग खुद अपनी जेब तो अदा करते हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट देती है। और इसी तरह तुसी बिजली के हवाले नाल इत्थे बड़ा मसला रहा है कि यह बिजली जिहड़ी बाहर के लोग 8 या 7 रुपये यूनिट चला रहे हैं, असल को इत्थे 80 तों 40 रुपये यूनिट कमर्शियल रेट दे रहे हैं। असल दा क्रेडिट अगर असीं दसां तां असीं पिछले टर्नओवर जिहड़ा गुजरिया है 2018 में असां सा कंप्लीट कर छोड़िया है, और इसमें अलहमदुल्ला तमाम में उस कमेटी के मैंबर भी आया, जिसमें 80 हज़ार आया, और असाने इस कंप्लीट काम करके इसी कानूनी चौक में एक जलसा करके 2 डिमांड नोट्स मसाजद के असाने इशू किए। उसी दिन इलेक्शन कमीशन की पाबंदी लग गई, असा नए डिमांड नोट तरक्याती कम नहीं इशू कर सके। उस तो बाद पीटीआई के 4 साल दौरा गुजरिया, उस 4 साल दौर में असा काफ़ी कुछ कोशिश की कि मसला हल हो जाए, लेकिन असल बिजली का मसला हल नहीं हो सकता, जिस वक्त असं उस वक्त वफाकी वजीर पानी बिजली के वजीर भी है, लेकिन यह प्रॉब्लम नहीं हल हो गया। अलहमदुल्ला जब उस वक्त नवी नून की हुकूमत आई है, असल ने फिर बाबर नवास खान और काजी असर साहब न रिक्वेस्ट की, हम हुकूमत है इन्होंने लोग इस गरीब लोग टी ए पी के वर्करस हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड जो इतने लाइफ गुजार रहे हैं, ये 50 रुपये या 60 रुपये यूनिट पर यूनिट नहीं दे सकते। इस बीच पर उन्होंने दोबारा अपने उस तसलसल शुरू किया जिते रुकया है। अलहमदुल्ला साहब कुछ दिनों में गवर्नमेंट से पहले 2 हफ्ते अंदर अंदर असाने जोड़ा 4 साल रुके हुए काम आया, असल ने डिमांड नोट इशू किया, और इस वक्त बापटा को 500 डिमांड नोट इशू हो चुके हैं, और बहुत जल्द अज शाला असं मीटर की इंस्टॉलमेंट शुरू करते स, और उस पर अलहमदुल्ला तुसा असामा अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, उस अहम किरदार खुदा ने मेरे को कहते, और इन्होंने लोगों ने मसला हल किया अपनी क्यादत न मिल के। सच आवाज़ टी वी के प्लेटफॉर्म तो आला हुकाम कोई पैगाम देना चाहो? सब तो पहले तो मैं सच आवाज़ का मशहूर हाँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ या असल इस हाउस स्कीम या सिटी दस के लोगों की आवाज़ का जरिया बने और उन्होंने मसाइल का जरिया बने, तो असं ये पैगाम देने वाला काम आ कि असल इस टी ए पी में एक मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं, अस अगर कोई एमरजेंसी होती अस शहर जाना चाहते सिटी दस में कोई नहीं, रोशनाबाद करीमाबाद से आवाम वास्ते एक जितने मेडिकल की सहूलत होनी चाहिए, दूसरा जिला हरिपुर वास्ते मैं यही आख सा मौजूदा हुकूमत आख सा जिते इतने तरक्याती काम करवा रहे हो, रोड गली ट्यूबवैल्स लगवा रहे हो, तुसी कोशिश करो कि असा हेल्थ का मसला हल हो जाए, जो लोग असल मुख्तलिफ मरीज रास्ते में मरते हैं वो कम अज़ कम उन्होंने सहूलत इतने करीब तरीन हरिपुर ट्रामा सेंटर और उस जदीद मशीनरी आन के इन्होंने लोगों साढ़े प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इजाजत चाहता अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।